रतलाम शहर के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में ट्रेनी नन आलिशान की मौत को लेकर आक्रोश पनपता जा रहा है। पुलिस भी अभी तक निष्पक्ष जांच तक नहीं पहुंच पाई है। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शहर के दो बत्ती थाने का घेराव और प्रदर्शन कर सड़कों पर बैठ गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही CSP हेमंत चौहान को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन को 3 दिनों में समस्त जांच कर सार्वजनिक कर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है, नहीं तो जिले भर के समस्त विद्यार्थी सड़कों पर उतरेंगे। रतलाम नगर इकाई ने दोबत्ती थाने का घेराव किया था। कुछ दिन पहले एक नन बालिका ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में आत्महत्या करी है। कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा वो मामला दबाया जा रहा है। अगर SFL अधिकारी सही समय पे पहुंचता तो कुछ साक्ष्य सामने आते। बाकी अभी ये स्थिति बन रही है कि पुलिस उसमें सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ही सबूत के नाम पे बैठी हुई है, ना उनके पास कोई सबूत है, सिर्फ उस रिपोर्ट के आधार पे ही वो सबूत देंगे। ना वहाँ कितनी नन है, पहले कितने नन आ चुकी है, देश के अदर अदर स्टेट से बच्चों को, नाबालिग बच्चों को लाया गया, लाया है तो पुलिस प्रशासन को जानकारी में होना चाहिए कि कितने बच्चे थे और कितने बच्चे अभी है। कोई पुलिस प्रशासन के पास जानकारी नहीं है। इसमें साफ साफ दिख रहा है पुलिस प्रशासन की साठगांठ है। अगर 3 दिन के अंदर उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता और कॉन्वेंट स्कूल पर कार्रवाई नहीं होती है तो अभावी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये आह्वान करती है कि पूरे जिले के महाविद्यालय और स्कूल सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे बंद करवाएंगे और सड़कों पर उतरेगी छात्र शक्ति। गवर्नमेंट स्कूल में एक 17 वर्षीय बच्ची द्वारा, बालिका द्वारा आत्महत्या की गई थी, उसमें मर्ग जाँच अभी जारी, उसमें परिजन भी उनके उड़ीसा से, चूँकि उड़ीसा के रहने वाले परिजन आ चुके हैं, परिजन की भी वीडियोग्राफी की स्टेटमेंट हो गए हैं और इसमें मर्ग जाँच जारी है। सर जो भी इफेक्ट आएंगे इसमें जागृत कराया जाए। क्या कुछ स्पष्ट हुआ इसमें मौत का कोई कारण? मृत्यु का भी कोई स्पष्ट कारण नहीं आया है। इसमें PM रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, बता रहे हैं PM रिपोर्ट भी शीघ्रता से प्राप्त की जा रही है।